सो हे गाइज व्हाट्सएप। सो गाइज अगर आपका बजट 40,000 से शुरू हो रहा है, 38, 39 या फिर 45 तक क्यों ना जा रहा हो, तो सही वीडियो पाओ। यहाँ पे कुछ ऐसे लैपटॉप्स की लिस्ट तैयार किया हूँ जहाँ पे आपको लेटेस्ट 13 जनरेशन का प्रोसेसर तो देखने को मिल ही जाएगा, साथ ही 16 GB का रैम भी है कुछ कॉम्बिनेशन में, एंड एच सीरीज का प्रोसेसर भी आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लैपटॉप्स का लिस्ट बनाया हूँ आपके लिए, यहाँ पे ऑलराउंडर काम ये सारे लैपटॉप्स आपको निकाल कर दे सकता है। तो सभी का लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन और छोटा सा रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस बात करते हैं इन्हीं लैपटॉप्स के बारे में। सो गाइस पहले लैपटॉप के बारे में बात करेंगे इस लिस्ट में, तो HP का 14S लैपटॉप आता है। इसका एग्जैक्ट मॉडल नंबर DY5008TU है एंड इसको आप ऑफलाइन मार्केट्स में भी चेक कर सकते हो। लेकिन गाइस यहाँ पे इसका प्राइस सबसे कम है, 40,000 रुपये अगर का बजट है ना आपका, तो ये वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है। एंड 40,000 रुपीज़ में ये वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है क्योंकि यहाँ पे इंटेल कोर i3 12 जनरेशन का प्रोसेसर देखने को मिलता है, तो यहाँ पे 12 15U का प्रोसेसर देखने को मिलता है। एंड 40,000 में ये आपको बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है अगर प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखें तो। बाकी 8 GB का रैम, 512 GB की SSD और 14 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलता है कॉम्पैक्ट साइज का, और HP की तरफ से आता है तो आफ्टर सेल सर्विस भी बेटर देखने को मिलेगी। एंड बैंक्स की ऑफर अलग से चल रहे हैं तो उसको ऐड करना मत भूलना, आपको ये 38,000-39,000 रुपीज़ के आसपास देखने को मिलेगा। तो इस प्राइस पॉइंट में वन ऑफ द बेस्ट डील है। बाकी लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच एंड एवरी लैपटॉप, जो कुछ मैं आपको लैपटॉप भी दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। आगे बढ़ते एक और यहाँ पे ऑल्टरनेट ऑप्शंस के बारे में बात करता हूँ। तो यहाँ पे HP का लैपटॉप 15S आता है, एग्जैक्ट मॉडल नंबर आपके स्क्रीन पे है। यहाँ पे गाइस सेम प्रोसेसर बट 15.6 इंच के साथ में आता है, लेकिन गाइस ये नया लैपटॉप है, नया लॉन्च है, तो यहाँ पे 8 GB रैम के साथ में आपको 1 TB का SSD मिलता है। सो अगर आपको इस प्राइस पॉइंट में कोई 1 TB SSD वाला लैपटॉप चाहिए तो ये HP का 15S आपके लिए बेस्ट चॉइस बन सकता है, और 15.6 इंच का डिस्प्ले भी है तो आपको मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस में बहुत मज़ा आने वाला है। नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। सो गाइस यहाँ पे आता है Asus का VivoBook 15 2023 वाला वर्जन। सो गाइस यहाँ पे इंटेल कोर i3 13 जनरेशन का U सीरीज का प्रोसेसर मिलता है। सो 45,000 रुपीज़ में अगर आपको 13 जनरेशन का कोई प्रोसेसर वाला लैपटॉप चाहिए तो दिस इज फॉर यू। यहाँ पे Asus का VivoBook 15 आप ले सकते हो, एग्जैक्ट मॉडल नंबर आपके स्क्रीन पे, 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले के साथ में आता है, 8 GB रैम, 512 GB की SSD और बिल्ड क्वालिटी, और यहाँ पे आपको जो बिल्ड है डिजाइन वगैरह आपको टॉप नॉच देखने को मिलेगा क्योंकि Asus का VivoBook जो सीरीज होता है क्वालिटी और बिल्ड क्वालिटी और लुक्स के मामले में काफी अच्छा होता है, और डिस्प्ले भी आपको काफी मॉडर्नाइज देखने को मिलता है, यहाँ पे बेजल्स वगैरह काफी कम देखने को मिलते हैं तो डिस्प्ले क्वालिटी भी अच्छी मिल जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन Acer का Aspire 5 आ जाता है, जहां पर भी i3 का 13 जनरेशन का प्रोसेसर है, सेम 8 GB रैम, 512 GB की SSD। इसका प्राइस देखो तो सिर्फ 40,000 रुपए, सिर्फ 40,000 रुपए में आपको i3 का 13 जनरेशन कहीं और देखने को नहीं मिलेगा, तो अभी जाके इसको ग्रैब करो ना ये बाद में इतना कम प्राइस में देखने को नहीं मिलेगा। ये वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है मेरे ख्याल से इस लिस्ट में। नेक्स्ट ऑप्शन गाइस एक और Asus का VivoBook 15 के बारे में बात करेंगे, जहां आपको 12 जनरेशन का प्रोसेसर देखने को मिलता है, इससे बेटर आप 13 जनरेशन के साथ जाना। नेक्स्ट ऑप्शन गाइस बताना चाहूंगा, अभी यहां पे Xiaomi का नोटबुक अल्ट्रा मैक्स आ चुका है, जहां पे i5 का 11 जनरेशन का H सीरीज का प्रोसेसर है, तो यहां पे 16 GB की रैम देखने को मिलती है और H सीरीज का प्रोसेसर है, इसलिए मैंने आपको इसमें इंक्लूड करके बताया है क्योंकि H सीरीज का प्रोसेसर वाकई में ज़्यादा बेटर होता है, तो यहां पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा और 16 GB की रैम है तो आप इसको भी खरीद सकते हो, यहां पे एक ट्राई कर सकते हो, अगर आपको मन है तो इसके पास भी जा सकते हो, स्पेसिफिकेशन वगैरह देख लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा चेकआउट करना, बट 45,000 रुपीज़ के आसपास देखने को मिले तभी जाना। नेक्स्ट ऑप्शन Asus का VivoBook 16X, 16 इंच का अगर आपको कोई लैपटॉप चाहिए इस पॉइंट पे और इस प्राइस पॉइंट पे तो ये लैपटॉप आपके लिए Asus का VivoBook 16S 2022 वाला वर्जन, जहाँ पे AMD Ryzen 5 का 5600H सीरीज का प्रोसेसर मिल जाता है और 8 GB रैम, 512 GB की SSD, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो, वाकई में काफ़ी अच्छा लैपटॉप है। नेक्स्ट ऑप्शन इज़ फ्रॉम Lenovo। सो यहाँ पे एक गेमिंग लैपटॉप आपको बताना चाहता हूँ 45,000 रुपीज़ के आसपास, थोड़ा सा प्राइस इसका ऊपर जा चुका है, जब लिस्ट तैयार कर रहा था तो 45-46 के आसपास था, तो यहाँ पे Lenovo का IdeaPad Gaming 3 के पास जा सकते हो, i5 का 11 जनरेशन देखने को मिलता है। सो इस प्राइस पॉइंट में गेमिंग लैपटॉप ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है, तो ये आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगा, 8 GB रैम, 512 GB की SSD और 4 GB का NVIDIA GTX 1650 का ग्राफिक्स कार्ड मिलेगा और 120Hz का डिस्प्ले देखने को मिलेगा, तो ये कुछ ऑप्शन है अगर गेमिंग के पास जाना चाहते हो तो। बाकी सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बस गाइज मैंने आपको सारे लैपटॉप्स की लिस्ट दिखा दी है, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा एंड सभी बेस्ट परफॉर्मेंस देने वाले, अब आपको डिसाइड करना है विच एवर यू वॉन्ट टू सेलेक्ट, तो यहाँ पे लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आज के लिए इतना ही, वीडियो पसंद है जरूर से लाइक कर लेना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइज मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।